हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथो साइंस यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको मैथ और साइंस के वीडियोस मिलते हैं, मैथ्स की ट्रिक्स मिलती हैं और साइंस रिलेटेड भी कुछ ट्रिक्स मिलती हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुपर हेक्सागन क्या होता है और हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को कैसे हम अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज उनको लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि आपको पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, काफ़ी आइडेंटिटी होती हैं। तो उसको हम कैसे लर्न करेंगे, एक सिंपल हेक्सागन की ट्रिक से, उसको बोलते हैं सुपर हेक्सागन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम एक हेक्सागन बनाएंगे। ये आपका हेक्सागन हो गया। अब देखिए, इसकी डायगनल्स को मैं ज्वाइन करूंगा। डायगनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे टेन थीटा लिखूंगा। टेन थीटा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो ये टेन हो गया। यहाँ पे हम अल्टरनेट पे लिखेंगे एक के बाद एक, ये साइन एंड कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको मैं बता रहा हूँ सुपर हेक्सागन कैसे बनाते हैं, और अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आप सारे फॉर्मूले अपने फिंगर टिप्स से बनाना सीख जाओगे। देखो, अब ये सी है, कॉस है, तो सी के जितने टर्म ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसको हम राइट साइड नोट करेंगे। कॉस, दिस इज कॉट, नाउ दिस विल बी कोसेक, ओके। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचा, सेक, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ इसके बाद वन को हम बीच में लिखेंगे, यहाँ पे हम वन लिख देंगे, ठीक है। इसका क्यों लिखा है, कैसे यूज होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब देखिए, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस, कैसे लिखा, दिस अपॉन दिस, फर्स्ट टू थर्ड, सॉरी फर्स्ट ये हो गया, थर्ड सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, ओके। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे साइन इज इक्वल टू कॉज अपॉन टेन, ठीक है, कॉज अपॉन टेन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉट अपॉन कोसेक, कॉज इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कैसे हम कर रहे हैं। बेसिकली आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड। तो यहाँ पे देखिए, कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक बाय टेन, एंड सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बाय साइन। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब देखिए, कॉट अगर हम लेते हैं तो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक अपॉन सेक, कॉट क्या होगा, कोसेक अपॉन सेक। आई होप आपको ये सिक्स फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। नाउ आई विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला ट्रिक नंबर टू। नाउ इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक नंबर टू। उसके लिए आपको फिर से सुपर हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो मैं सुपर हेक्सागन आपको ट्रिक मैंने बताई है। सबसे पहले आप सुपर हेक्सागन बनाइए, मीन्स एक हेक्सागन बनाइए और इसकी डायगनल्स को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वन। नाउ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टेन, टेन देन साइन अपॉन कॉज होता है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉज, ओके। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, राइट साइड में क्या होंगे, सिर्फ सी के टर्म्स होंगे, ठीक है, कॉट देन कोसेक, ओके। यहाँ पे क्या बचा, सेक। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कैसे बनाते हैं सुपर हेक्सागन। इसके पहले मैंने क्या देखा था कि 10 जो है साइन अपॉन कॉज था, मीन्स क्लॉक वाइज चल रहे थे, क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, ये 10 इज इक्वल टू सेक अपॉन कोसेक। अगर हम सेक की वैल्यू स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, कोसेक अपॉन कॉट, कोसेक अपॉन
cot. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये होगा cosec is equals to cot upon sec. ओके, अब अगर हम cot से स्टार्ट करते हैं तो cot is equals to क्या होगा, cos upon sin. फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड अपॉन थर्ड. अगर cos स्टार्ट करते हैं क्या होगा, साइन अपॉन टेन. ओके, अगर हम साइन से स्टार्ट करते हैं क्या होगा, टेन अपॉन sec. अगर हम टेन से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, sec अपॉन cosec, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट किया है. ठीक है, इस ट्रिक से आपने सिक्स फॉर्मूले यहां सीखे. ठीक है, इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें से सिक्स फॉर्मूले सीखे. यहाँ टोटल फॉर्मूले आपके कितने हो गए, 12 फॉर्मूले हो गए. नाउ आई विल स्टार्ट विथ ट्रिक नंबर 3. नाउ ट्रिक नंबर 3 इज हेयर. नाउ सी, अगर मैं इस साइन को डायगनली मल्टीप्लाई करूं, साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक, देन इज इक्वल्स टू 1. अगर मैं साइन को मल्टीप्लाई करूं कॉस से, साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक, देन इज इक्वल्स टू 1. अगर मैं sec को मल्टीप्लाई करूं cos से तो होगा ये 1. अगर मैं cot को मल्टीप्लाई करूं tan से तो ये क्या होगा, 1. आपको यहां से 3 फॉर्मूले मिले. ठीक है, तो टोटल फॉर्मूले यहां पे कितने हो गए, 12 + 3. नाउ ट्रिक नंबर 4. नाउ ट्रिक नंबर 3 इज, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 3 के पेयर्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 को मल्टीप्लाई किया cos से तो आपको साइन मिलेगा. 10 मल्टीप्लाई बाय cos इज इक्वल्स टू साइन. कोई सा भी आप 3 पेयर लीजिए, आप फॉर एग्जांपल sec मल्टीप्लाई बाय cot अगर हम करेंगे तो cosec के इक्वल होगा. कोई से भी दो टर्म आप लीजिए उसके बीच के इक्वल होगा. साइन मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू कॉस. आप कोई से भी टर्म ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन कॉस कॉट लिया तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस, मैंने ऑलरेडी बता दिया. तो 10 मल्टीप्लाई बाय कोसेक क्या होगा, बीच वाला टर्म. बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड, ये हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का बीच वाले के इक्वल है मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये भी यहाँ से काफ़ी फॉर्मूले बन जाएंगे. तो यहाँ पे यहाँ ट्रिक आप इसको नोट कीजिए, ये दिल मांगे मोर. अभी और चीज देखनी है तो देखिए, एक और चीज में बताते हैं. साइन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक. साइन क्या होगा, कोसेक का अपोजिट होगा, 1 अपॉन कोसेक. 10 क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कॉट का, 1 अपॉन कॉट. सिमिलरली सेक क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कॉस का, एंड सो ऑन. अगर हम कॉस से स्टार्ट करें तो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, एंड सो ऑन. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी. अगर क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. ओके, सुपर हेक्सागन एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे काफ़ी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूले भी फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं, और हम ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है बेसिक आइडेंटिटी 3 वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर बात करें, सपोज मैंने सबसे पहले हम सुपर हेक्सागन बनाएंगे, दिस इज 10 साइन cos, cot, cosec और ये बचा sec. कैसे मैंने बनाया, सब पहले इसको ज्वाइन करेंगे हम. ठीक है, और यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं. ठीक है, राइट साइड में सिर्फ सी के होंगे टर्म्स, लेफ्ट साइड में बचे हुए हमारे टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है, और बीच में क्या लिखेंगे, 1. नाउ यू सी साइन के सामने वाला क्या है, cos. तो मीन्स साइन इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, साइन कॉम्प्लीमेंट cos. सिमिलरली 10 के सामने कौन है, cot. तो 10 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा. ओके,
sec के सामने कौन है, cosec, तो sec is equals to cosec 90 minus theta. I hope ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट देखिए, अगर हम एरो लेफ्ट साइड लेते हैं तो cos is equals to क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, ये थीटा है. ठीक है, अगर हम इधर से लेते हैं तो क्या होगा, cot is equals to 10 90 माइनस थीटा. अगर हम cosec लेते हैं इस साइड में तो क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा. आई होप आपको ऑल सिक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो गए होंगे. प्लीज मेक अ नोट. ओके गाइस, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम कैसे बनाते हैं. इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, देखिए इसको ध्यान से. अगर हम इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें, अल्टरनेट हमने एरिया को शेड किया है, अल्टरनेट एरिया को यहाँ से स्टार्ट करके एक एक छोड़ के. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज देखें इस तरीके से तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसको आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे करके आ रहे हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अमेज्ड नॉट. अब देखो, यहां देखो, ऐसे चलेंगे, 1 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. इट इज सो इंटरेस्टिंग. नाउ सी, यहां से स्टार्ट करिए, 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. अच्छा लगा मेथड, वीडियो को लाइक जरूर करना. ठीक है, वेट, ये तो हमने सीख लिया एंटी क्लॉकवाइज के लिए. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटी क्लॉकवाइज करके ले रहा हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना इसको आप लोग. यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग से करेंगे ऐसे करके, तो माइनस का साइन आएगा बीच में, मींस 1 स्क्वायर मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सेकंड देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मींस 1. थर्ड इज, यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे करके तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर. आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से भी क्लियर हो गए होंगे. और ये सुपर हेक्सेनस को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सुपर है, क्योंकि इसमें हम सारे फॉर्मूले एक हेक्सागन से फाइंड कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.